हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा जा रहा है आज का संडे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। संडे के दिन तो घर में किसी ना किसी की तो फेवरेट डिश बनती ही है, कभी बच्चों के पसंद का खाना तो कभी हस्बैंड के पसंद का खाना। आज मैं पाव भाजी बनाने जा रही हूँ जो कि हम दोनों की भी बहुत फेवरेट है। तो मैं किस तरह से पाव भाजी बनाती हूँ मैं आज वो आपको दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आपके रेसिपी में कोई ट्विस्ट है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। सबसे पहले मैंने दो टमाटर, आलू और फ्लावर लिया है जिन्हें मैं प्रेशर कुक करूँगी। यहाँ पर आप और भी सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं लेकिन मैं बस तीन ही सब्ज़ियाँ यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने इसमें ड्राई मटर भी डाले हैं। दो सीटियाँ हो गई है तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। सबसे पहले मैं जो टमाटर है उन पर छिलका निकाल लूँगी और इनकी मैं प्यूरी बनाऊँगी इस तरह से। अब यहाँ पे हम रियल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, इसमें डालूँगी मैं बटर। बटर के बिना तो पाव भाजी बनती ही नहीं है, इसके बिना बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा पाव भाजी को। तो सबसे पहले मैंने डाला है बटर और उसके साथ साथ मैं ऑयल भी डाल रही हूँ ताकि जो बटर है वो पैन से चिपक कर जले ना और वो काला भी ना पड़े। तो आप इसके साथ साथ थोड़ा ऑयल भी डाल लीजिए और जब तक ये बटर मेल्ट हो जाता है तब तक मैं जो मेरे प्याज है उन्हें कट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने दो बड़े बड़े प्याज लिए हैं और इन्हें मैं बिल्कुल फाइनली चॉप करूँगी। और अब बटर मेल्ट हो गया है तो ये पैस जाएगा कढ़ाई में और इसे मैं अच्छे से लाइट ब्राउन कलर होने तक पकाऊंगी। और जब तक ये मेरा पैस पकता है तब तक जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस करिए ताकि मैं जब भी फ्यूचर में कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए। सो अब हमारा प्याज जो है वो बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का हो गया है। इसमें डालेंगे हम ये टोमेटो प्यूरी और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके बाद हम सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, आमचूर पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा हींग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाव भाजी मसाला, यहाँ पे मैं एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला यूज़ कर रही हूँ। 2 से 3 चम्मच डालूंगी मैं अप्रोक्सीमेटली। और सारे मसाले, टमाटर और प्याज एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे सब्जियाँ, गोभी और ये मटर जिन्हें मैंने प्रेशर कुकर में पकाया था।
मेरे पास ये स्टील का मैशर है जो कि लेंथ में थोड़ा बड़ा है और विड्थ इसकी थोड़ी कम है। इसका जो नीचे का राउंड शेप है वो थोड़ा सा छोटा है। अब हम यहाँ पे करेंगे मैशिंग। मैशिंग सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है पाव भाजी का। इससे आपके पाव भाजी का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और जितनी सारी आप सब्जियाँ इसमें डालते हैं वो सारी एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती हैं। अदरवाइज़ आपकी जो पाव भाजी है वो बिल्कुल आलू की सब्जी जैसी लगेगी अगर आप मैशिंग नहीं करेंगे तो। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप मिक्सर में भी सारी सब्जियाँ जो है वो बारीक कर सकते हैं। आलू को भी मैं छोटे छोटे पीसेस में अब कट कर लूँगी। इसे आप हाथ से भी मैश करके पाव भाजी में डाल सकते हैं। अब आलू को डालने के बाद फिर से हम एक बार मैशिंग करेंगे। और लास्ट में हम डालेंगे पानी। यहाँ पे आप फूड कलर भी डाल सकते हैं आपके पाव भाजी में, लेकिन मैं यहाँ पे कोई फूड कलरिंग नहीं यूज़ कर रही हूँ। जैसे अगर आपके घर पे कोई मेहमान आने वाले हैं, आप अपने पाव भाजी का जो कलर है वो भी अच्छा चाहते हैं तो आप फूड कलरिंग इसमें डाल सकते हैं। दिखने में बहुत अच्छी दिखती है आपकी पाव भाजी, एकदम रेड कलर, अच्छा सा कलर आ जाता है उसके ऊपर। और सबसे लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैं इसमें ऐड करूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे पकने दूंगी। तो लीजिए, हमारी पाव भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है। और इसके साथ खाने के लिए जो पाव है उन्हें मैं तवे के ऊपर थोड़ा सा बटर डालकर सेक लूंगी। तो अब हमारी पाव भाजी बिल्कुल बनकर तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और संडे के दिन आप कौन सी नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। सो सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।